करिए, आत्मसम्मान को मेंटेन कीजिए, कटोरा लेके हाथ मत फैलाइए, राइट, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, लेकिन हम्बल भी रहना। कटोरा लेके हाथ फैलाने का मतलब ही नहीं कि टेढ़े होकर दुनिया से टेढ़ा होकर बात करने लग जाएं। अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, जिस प्रोफेशन में आप हैं, और नेवर आस्क टू मेंशन योर नेम। कभी जिंदगी में ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि जाके स्टेज से मेरा नाम लेना, तेरी अपलाइन का नाम लेना। ये बात दी जा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में या जिंदगी में इससे बुरी बात लीडरशिप के मामले में हो नहीं सकती। नंबर टू, योर ड्रेस कोड एंड पब्लिक अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑल्सो ऑन जूम। आपका ड्रेस कोड, आपका पब्लिक अपीयरेंस, आपकी पब्लिक में बातचीत, आपका पब्लिक में बिहेवियर, या आप जूम पे कैसे बैठते हैं, क्योंकि जूम पे बैठेंगे तो पब्लिक को दिखाई दे रहा है, राइट, इट इज क्वाइट विजिबल, राइट। आप पहले थे तो आप जयपुर में थे तो सिर्फ जयपुर वाले कुछ लोग देते थे, अभी तो पूरी दुनिया आपको देखती है, पूरा भारत देश आपको देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। अब उनको ऑफिस में स्टाफ भी है, हर आदमी का अपना अपना काम है। अब कोई भी ऑर्डर है, कोई भी सप्लाई है, मैं अपने कंप्यूटर उठाऊं और अपनी गाड़ी में भर के अपने कंधे पे लाद के मेरे क्लाइंटों के पास पहुंचाना शुरू कर दूं, राइट, तो क्या होगा, अगले ही दिन उनके दिमाग में चला जाएगा कि ये आदमी अकेला है, इसकी टीम नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो किसी टीम के साथ काम करते हैं, वो इंडिविजुअल के साथ काम नहीं करते। हाँ, जो भी बिजनेस है वो किसी न किसी लीडर यानी कि उसकी पॉलिसीज की वजह से चलता है, तो वहां पर एक डाउट क्रिएट होता है कि आजकल क्या इनके पास आदमी नहीं है क्या, ये आजकल ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं अपने बिजनेस को ही खो दूंगा। या मान लीजिए कोई आरसीएम का लीडर है, राइट, और वो पब्लिक मीटिंग में बोल रहा है कि भी मैं एमराल्ड हूं, मैं स्टार एमराल्ड हूं, या ऐसे है वैसे है, मेरे 1.5 लाख आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, और वो साइकिल पे घूम रहा है। देखो, मॉर्निंग वॉक करने के लिए साइकिल पे घूमना अलग मकसद है, यहां से ब्रांड इमेज बनती है कि आदमी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, लेकिन 4 किट साइकिल पे रख के आप बोल रहे 2 लाख रुपए कमा रहे हो, और 4 किट साइकिल पे रख के या सामान साइकिल पे रख के आप गली गली घूम रहे हो, और उस गली में आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो आपको देख रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं और फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो क्या हुआ, खेल खत्म, राइट, नोबडी विल बिलीव। सो आपको अपनी ब्रांड इमेज का भी इन सब चीजों के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी टीम को ड्राइव मिलता है, ड्राइविंग फोर्स हो आप अपनी टीम की। नंबर 3, कलाम साहब के हिसाब से या रतन टाटा जी के हिसाब से, जो भी किताब है, रेस्पोंड टू ए क्वेरी और फोन। फोन या कोई भी क्वेरी है टीम की तरफ से, उसका रेस्पॉन्स देना जरूरी है, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द टीम। अब मान लीजिए आप सालों साल, महीना, 2 महीना, 3 महीने टीम फोन कर रही है और कोई फोन का जवाब ही नहीं दे रहा, या उसका कोई सॉल्यूशन दे रहा, सॉल्यूशन इन द सेंस, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन मेरे को ही देना पड़े। मान लीजिए मेरे पास कोई फोन आया कि सर मैं न्यूट्रीचार्ज मैन सुबह लूं कि शाम को लूं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को कौन सा लेना चाहिए, तो अब मान लो समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ठीक दरवाजे तक तो उसको लेके जा सकता हूं, तो मैं उनसे क्या बात करता हूं कि देख भाई मैं तो इतने बजे लेता हूं, लेकिन मेरे कोई बीमारी नहीं है, इसके बारे में और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो परफेक्ट है, इस डब्बे के ऊपर फोन नंबर देखो, 02 नंबर लिखा हुआ है, मैं कहा डायल करो आप, मैं कॉन्फ्रेंस भी लेता हूँ, आप इस नंबर को अपने मोबाइल से डायल करो, वहां पर एक्सपर्ट बैठे हैं, छुट्टी वाले दिन नहीं मिलेंगे, 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक डॉक्टर्स बैठे हैं, ये सवाल उनसे करो, तो करो करो डायल करो, मैं भी सुनता हूं। और वो वहां पे डायल करेगा और वहां पर क्योंकि एक्सपर्ट बैठे हैं न्यूट्रीचार्ज के हेल्पलाइन पे कहीं पर भी, तो वो उसको जब सॉल्यूशन देंगे तो उसका तो जिंदगी भर का रास्ता खुल गया ना, भरोसा भी बढ़ गया, और ये भी बोला कि कदम जी ने जो है वो बिल्कुल सही रास्ता दिखा दिया, राइट, आदमी भी बच गया, सॉल्यूशन भी मिल गया और जिंदगी भर का रास्ता भी खुल गया। लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, ना तो रास्ता दिखाते हैं, ना फोन उठाते हैं, और उठा भी लिया तो रास्ता नहीं दिखाएंगे, बोला सवेरे ले ले शाम ले ले, क्योंकि खुद डॉक्टर बन जाते हैं। सो टीम को क्या चाहिए, टीम को सिर्फ गाइडेंस ही होती है, जैसे रतन टाटा, हर आदमी में ताकत है, हर आदमी के भीतर हनुमान बैठा है, लेकिन उनको राइट गाइडेंस राइट टाइम पे चाहिए होती है। सब के सब में मिरेकल करने की ताकत है, वो सब काम अपने आप कर देंगे, और हर एक को करना ही है, क्योंकि हर आदमी अपने बिजनेस में है। जब तक वो खड़ा होकर जिम्मेदारी नहीं लेता वो अपलाइन के बिजनेस में है, जिस दिन खड़ा होकर जिम्मेदारी लेगा वो अपने बिजनेस में है। टीम में बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी लेके अपना अपना परचम जो फहरा रहे हैं, जिम्मेदारी लीजिए, टीम के ताल के साथ ताल मिलाइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो जाइए, राइट,
चाहे वो किशन जी हैं, चाहे वो अपने रमेश जी हैं, चाहे फूल सिंह जी हैं, चाहे वो अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे अशोक जी हैं है ना पूरी टीम के साथ, चाहे विश्व जी जी हैं आसाम में, ऐसे कितने सारे दोस्त हैं, मतलब कितने लोग जो इंडिपेंडेंटली राइट अपनी ब्रांड इमेज भी कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और सारी चीजें और सिस्टम के साथ। तो जिस दिन ये चीजें जो है वो राइट हाँ ऑफकोर्स है ना, बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों के नाम छूट सकते हैं मेरे से। अब आप ये मत बोलना नाम छूट गया तो जो है मैं खराब हूं, ऐसा मत है ना, तो फिर वही बात आ जाएगी राइट। सो नेक्स्ट वन इज, आप देखो कई साल पहले मेरे साथ दिक्कत थी क्योंकि कई और काम होने की वजह से मैं क्या करता हूँ अमूमन 9 से 6 के बीच में फोन जो है वो कंप्यूटर के ज्यादा उठते हैं, आरसीएम के कम उठते हैं राइट। और 3 से 4 बजे के बीच में, 2:30 से 3:30-4 बजे के बीच में अमूमन मेरा फोन उठेगा नहीं, वो 1 घंटे का साइलेंस पीरियड होता है। लेकिन एक रूल मैंने बना रखा है क्योंकि अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो ब्रांड इमेज पिट जाएगी, लेकिन उसका समाधान क्या, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको निकालना ही ना, सोल्यूशन ये है मेरे को फोन जहां करना मेरी मर्जी से अपने आप कर लूंगा। लेकिन अगर गलती से किसी ने मेरा फोन डायल किया है और उस टाइम पे मान लो अभी किसी ने डायल किया तो फोन तो नहीं उठेगा, लेकिन मैं शाम तक या 12 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे में एक भी मैसेज या एक भी फोन कॉल ऐसी नहीं छोड़ता जिसको वापस जवाब ना मिले, यानी कि उसको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा राइट। तो बहुत ज्यादा फोन नहीं उठा सकते, तो कम से कम किसी ने भी फोन किया है तो उसका रेस्पॉन्स या उसका जवाब उसको मिलना चाहिए, ये टीम का राइट है, इसको यूं समझ लीजिए। जो काम आप कर रहे हैं या आपकी ब्रांड इमेज को बिल्ड करेगा उसको घटाएगा नहीं, लेकिन ना तो व्हाट्सएप का जवाब मिले ना फोन उठे 3 महीने तक, तो क्या होगा, ब्रांड इमेज क्या क्रिएट होगी, अरे वो आदमी अरे फोन ही को नहीं उठाओ यार, कहीं काम करा यार, ठीक है ना, वो हो गया नमस्ते हो गया, तो सारे किए धीरे पे सब कुछ। नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट देयर टाइम, यानी कि टीम का टाइम बर्बाद मत कीजिए, जस्ट गाइड देम, गाइड कीजिए टीचर की तरह राइट। कोई गलती हो रही है तो उसको बड़े पोलाइट वे में उसको करेक्शन का मोड दीजिए और उनका टाइम बर्बाद मत कीजिए। कई बार लोग फोन करते हैं और फोन कर करके जो काम का टाइम है, बहुत सारे रतन टाटा की कंपनी में चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े दिग्गजों की कंपनियों में चले जाओ राइट, वहां पर कोई भी दूर से सामने आएंगे तो गुड मॉर्निंग, कोई काम करते वक्त खड़ा नहीं होगा राइट। रतन टाटा अपने ऑफिस में जाएंगे, आजू बाजू बहुत सारे लोग देंगे, सब अपने अपने काम में, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ कि मेरे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और मेरी तारीफ करने में आप कंपनी का काम खराब कर रहे हो राइट। आप अपना टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है ना, यू बी ऑन योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मेरे को नमस्ते करनी होगी कभी जब एजीएम होगी, जनरल मीटिंग होगी, सालाना मीटिंग होगी, तब कर लेना जो इतने भी नमस्ते करने हैं राइट, बाकी मेल पे ही वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सो अब लोग क्या करते हैं, जूम मीटिंग या फोन किया और दो दो घंटे तीन तीन घंटे लगे रहते हैं, हाँ और बता कहाँ था, यूं बता वो बता, मतलब सामने वाले का टाइम बर्बाद, खुद का टाइम बर्बाद। जब भी किसी को फोन करना है तो क्या बोलते हैं कि अपना जब फोन लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको कागज पे लिखा होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। फोन करते ही और हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, 3 कामों के लिए मैंने फोन किया, पहला काम ये है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है या क्या है, ओके, दूसरा ये है, तीसरा ये है राइट, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और काम। तो जो काम 2 घंटे का कहा था वो काम 2 मिनट में भी होता है, सामने वाले को भी फ्री करो वो काम ही करेगा और अपने आप को भी फ्री करो, इतने टाइम में 4 लोगों से और बात कर सकते हैं राइट। जितने परफेक्ट टाइम में जितनी परफेक्ट बात करेंगे आपकी टीम के अंदर इमेज भी बिल्ड होगी और आप खुद भी बिल्ड होंगे। अगर बाय चांस सिंस एज ए लीडर आप रोल्टी सी हो रहे हैं, कल को आगे बहुत आगे जाना है, तो इन चीजों से बड़े, क्योंकि ये दो दो घंटे जो चिपकेगा ना बाद में लोग उसके साथ नहीं चिपकेंगे, ध्यान रखना मेरे सेंटेंस पे, वापस ध्यान रख लेना, जो लोगों के साथ एक एक दो दो घंटे फोन पे बकवास और ये जो भी दो दो घंटे चिपका रहता है, लोग उनसे अपने आप दूर हट जाएंगे, इसको गांठ बांध लेना। उनको लगता है कि मैं टीम का बहुत भला कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले की हालत पे भी तरस खानी होती है कि वो आदमी कितना हूं हां, क्योंकि फोन रख नहीं सकता, अपलाइन है और सिस्टम में बताया गया कि अपलाइन की बात मानो लेकिन अपलाइन। सो हमें अपने अंदर भी थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिक्स विल नॉट वर्क बट ट्रैक विल डेफिनेटली वर्क। कल मैं बात कर रहा था अपना आ, आ, आ,